इंदौर में दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों का तालिबानी कनेक्शन भी सामने आया है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, देशद्रोह और तालिबानी सोच मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिश्रा ने इस मसले पर कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इंदौर और उज्जैन की घटनाएं हिंदू मुस्लिम विवाद नागिन है, ये देश तोड़ने के मंसूबे रखने वालों से जुड़ी घटनाएं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के पास से 200 आपत्तिजनक सामग्रियां दस्तावेज मिले हैं, पेन ड्राइव मिली है, व्हाट्सएप चैट मिले हैं, पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि तालिबान से भी बातचीत के संकेत आए हैं, उसकी जांच हो रही है, वेरीफाई कराया जा रहा है, गंभीर प्रकार का यह मामला सामने आया है, जांच के लिए पुलिस टीम बनाई गई थी और तभी यह पकड़े भी गए हैं, आगे भी लोग पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश तोड़ने वाली साजिशों के साथ हो जाते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर भी तंज कसा। मत उनकी बात से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है समाज के अंदर कुछ इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हो जाते हैं, तो समाज की तो क्या चलिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली नारों के साथ चले जाते हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद की उज्जैन में नारे लगे उसको कह देते हैं काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे। अब ये क्या है, बिना जांच किए, बिना सोचे, बिना समझे आप ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी उज्जैन में, ये दो देश का मामला था, दो राष्ट्रों का मामला था। ये बर्दाश्त नहीं होगा मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पे, कोई भी तालिबानी सोच बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल गांधी के बाबा साहब अंबेडकर पर बयान देने पर उन्होंने कहा, जिन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी, बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ चलना, कैंडिडेट लड़ाना है, वे अंबेडकर की बात कर रहे हैं। बिजली संकट पर मिश्रा ने कहा, बिजली का संकट है मध्य प्रदेश में, जो प्लांट है उसमें तकनीकी दिक्कत आई है, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई है, कोयले की सप्लाई की दिक्कत हुई है, लेकिन जनता को मालूम है यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, दिग्विजय की सरकार थी, उस समय अंधेरे से निकाल कर लाए हैं, हम रिकवरी कर लेंगे। मित्र, अनुच्छेद की बात वो राहुल गांधी कर रहे हैं जिनने बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी थी। ये वो संविधान की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं जिन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। पता नहीं कैसे संविधान की बात ये करते हैं। सदैव से ही बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ चलना, उनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ाना, उनके सिद्धांतों को, प्रस्तावना को, संविधान का बदलना, वो बात करते हैं, अचंभा होता है। निश्चित रूप से बिजली का संकट है, अभी हमारे जो प्लांट है, संयंत्र है, उन्होंने तकनीकी दिक्कत आई, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई, कोयले की सप्लाई भी थोड़ी सी बाधित हुई, पर जनता को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस अंधेरे में से हम निकाल के लाए हैं, तो हम इस अंधेरे को नहीं रहने देंगे। 5-7 दिन की बात है, रिकवरी होगी और पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर, विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।